क्वेश्चन नंबर टू नहीं करना है, नहीं टू करना है, थ्री नहीं करना है, फाइव नहीं करना है, सिक्स नहीं करना है, और बाकी और कौन सा नहीं आया है? सेवन हो गया तो सेवन हो गया था, सेवन हो गया था, सेवन हो गया था, किसी का सेवन हुआ था? सर जो सर जो इसमें आपको मजबूरी हो गई, मैंने इससे कहा था वापस आ करो, मैंने तो ली थी इसमें बहुत ही मेरी मौजूद बाहर पकड़ लेना ठीक है। तो सेवन क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या बातें मत करो, अ सॉलिड एक्स वाई इज केप्ट इन द इवैक्यूएटेड सील चैम्बर अंडरगो डिकम्पोजन टू फॉर्म द मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्स एंड वाई एट द टेम्परेचर टी। चलो ये सॉलिड है, ये क्या बना रहा है, एक्स गैसेस बना रहा है और वाई गैसेस बना रहा है टेम्परेचर टी। वैक्यूम प्रेशर इज 10 बार इन दिस वेसल, केपी ऑफ द रिएक्शन इज, हो जाना चाहिए वैसे देखो ये सॉलिड है, अगर मान लो इसमें कुछ भी कहा नहीं है ठीक है, इसका कुछ भी होगा प्रेशर, इनका प्रेशर क्या है पी है और इनका प्रेशर क्या है पी है, मान लिया ऐसा क्योंकि दोनों का इक्वल ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है और टोटल प्रेशर क्या है सिस्टम का 10 बार है, तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, क्योंकि गैसेस एंटिटीज की वजह से होगा, तो पी प्लस पी बराबर कितना हो गया 10, तो पी बराबर कितना हो गया 5, और पूछा गया है आपसे केपी निकालना है, तो केपी अगेन बराबर क्या है आपका इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर इनटू इसका पार्शियल प्रेशर, तो वो क्या है पी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ना आया करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जुआ लगा के सॉल्व जरूर किया करो ताकि बाद में ये पता चले जुआ देखा है गलत ना स्किल भी सॉलिड से गैस को कन्वर्ट करने में ऑन द मूव के लिए क्या द सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करने का जो एग्जांपल तो स्किल से भी कैसे सर जो मोस्ट लाइकली होता है कैसे हां तो आगे प्रोसीड करो आगे जो होगा आगे जो बनते चले अच्छा आगे और 11 तो आप हो गया था तो सही को देखना लगा है इसमें केपी ऑफ द रिएक्शन कुछ है ना ये अपन को दिया था ना कि एनएच4 ऐसे सॉलिड होता है जनरली ये था ना कौन सा हां ये क्या है बहुत पहले मैंने
आंसर तो सही है, तो देखते हैं, देखो आंसर सही है आपका, इलेक्ट्रॉन भी सही लग रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने N4SH को सॉलिड माना है या नहीं माना है, वो देख लो, अगर वो सही किया तो बाकी सही है। देखो NH4SH गिविंग यू कितना है अमोनिया प्लस कितना आ गया आपका आगे H2S, ये सॉरी ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है आपका, ठीक है। इसके कितने मोल दिए गए आपको, 5.1 ग्राम दिया गया है, ठीक है, 5.1 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 51, तो ये कितना हो गया आपका 0.1, तो 0.1 इसके मोल्स है। अब इसमें से मान लेते हैं इवैल्यूएटेड 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजिशन, ये दिया, ठीक है, तो 0.1 में से मान लिया हमने अल्फा लिख लिया था, बाद में उसको 0.3 लिख देंगे, ठीक है, 1 माइनस अल्फा ये क्या है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 0.1 इंटू अल्फा, और यहाँ पे कितना बनेगा 0.1 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई आपको 30%, ठीक है, 0.3 दिया गया है, तो 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.03, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.03, तो ये कितना हो गया 0.07, क्लियर है। इसके बाद क्या दिया गया आपको कहानी में, द केपी ऑफ द रिएक्शन इज निकालना है, अच्छा ये ठीक है, तो बचा क्या इसमें, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हो गए आपके 0.06, इंडिविजुअल गैसियस मोल्स पता है आपको और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी पता है आपको, अब चाहिए क्या आपको केपी निकालने के लिए, क्या चाहिए आपको, टोटल प्रेशर चाहिए, अगर आपको टोटल प्रेशर आ जाए तो आप केपी निकाल लेंगे, अगर आपको पास मोल्स हैं सबके और टोटल प्रेशर चाहिए तो टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो पी टोटल है, वॉल्यूम टोटल कितना है आपको दिया है 3 लीटर जो वेसल का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के 0.06, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.00 समथिंग, ठीक है, टी कितना लिया गया आपको 327 में 263 ऐड कर लेना, 200 गैस का 600 मैंने जो लिखा है मुझे याद है, ठीक है, देख लेना कितना है सॉल्व करके, एक मिनट का, तो यहाँ पे कितना हो गया प्रेशर टोटल आ जाएगा, अगर टोटल प्रेशर आ गया तब तो केपी निकाल लेंगे ना, क्या होगा यहाँ पे अल्फा अपॉन 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, बताइए केसी वॉल्यूम दिया है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, आर दिया है, टी दिया है आपको, तो यहाँ पे सीधे स्टेप सही कह रहे हो, नंबर ऑफ होल्स दिया तो यहाँ से केसी निकाल लो, और केपी बराबर क्या होता है केसी तो आर टी प्लस पावर डेल्टा, तो कैसे भी निकाल सकते, बिल्कुल सही, नाइस, और कौन सा नहीं है 12 कर दिया होगा, नहीं किया तो फिर से करेंगे ना, 13 नहीं किया तो मैंने बताया, उसके बाद अगर 13 नहीं हुआ तो मैं क्या बता सकता है, सर पढ़ो जाएगा किसे पूरा चैप्टर, ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं 14 पे, 14 कर लिया था, फोर्टी देखो अभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, मैंने पढ़ाया नहीं है एक्चुअली, मुझे लगता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम 15 को क्या था पहले, अच्छा अच्छा 15 को दो, 14 करो आगे,
संडे को टेस्ट किस किस चीज का? एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल. नहीं सारों का है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का है ना. यस सर. पढ़ रहे हो? यस यस सर. बढ़िया ऐसी माने कम से कम पढ़ते तो रहोगे. मैं कुछ बोला भी नहीं इस बार तो चुपचाप से क्वेश्चन कर रहा हूँ. नहीं सारे मैं तो कुछ किया भी नहीं सब लोग ऐसे परेशान हैं. तो कोई सागर खुश रहती है तुम पर इमोशन कर रहा है. जो नहीं था ये आपके जो भी बोले आपको एक्चुअली याद रखना हो कि हमने केमिस्ट्री जब कहानी पढ़ रहे थे वो जो कहानी की थी ना कि अगर दोनों चीज कॉमन होती थी जैसे x ऊपर वाले में बन रहा है और x प्लस दूसरे वाले में बन रहा है तो टोटल x क्या हो जाता था? x प्लस का x प्लस y ही था ना. तो इसी चीज का ध्यान रखना यहाँ पे भी ठीक है. सारे केसेस के क्रम में बस इसी चीज का ध्यान रखना हो जाएगा आपका. तब पढ़ा था तब हमने आने पढ़ा नहीं था. अब पढ़ लिया है तो अब कर लो ये क्वेश्चन. एक्चुअली आपको चलो करो टाइम उठाने की जरूरत नहीं है. आंसर अगर देखो आपने जो अभी तक आया नहीं पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इतना समझ में आना चाहिए कि या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा. आप याद है अंडर रूट ऑफ के वन सी वन प्लस के टू सी टू करके आता था. इतना देख के आपको इतना समझ में आना चाहिए जो आंसर होगा वो बी होगा या सी होगा. सॉरी बी होगा या डी होगा. करो आगे. वापस
For my master, I'm sharing this up to the X one, carry on, now this is next level, tell it to you. So, A or B one, you know, that would be more easy. So I think you can one and do it. It's only that you can. If you can do it, you can do it. Even if you can do it, you can do it. Now, come on, let me do it. Then you can do it. You can do it. You can do it. Okay. It's it. It's fine. टोटल सी का प्राइस सी टोटल कितना होता है क्या हो रहा है तो उसको मैंने कर लिया एक जरा देखो कैसे होगा सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि अब आगे पढ़ते हैं आपको क्या दिया गया है ए टाइम्स बी प्लस सी आगे आंसर यस सर अब आगे बच्चा क्या है सी कॉमन है ना देखिए सी
तो कॉमन मैंने तो एक तो पूछा उसको हमने क्या दोगे नहीं मुझे लगा कि दो बार टोटल का सम करोगे तो दो बार किलोमीटर स्पीड हो जाएगा ये कहता हूँ तो यहाँ पे के पी वन कितना दिया गया आपको एक्स दिया गया अगर मान लेते हैं इसका हमें प्रेशर पी वन था तो इसकी वजह से ये तो सॉलिड है पहली बात तो इसकी तो कोई कहानी आनी नहीं बात में तो ये कितना देगा पी वन देगा और ये कितना देगा पी वन देगा ठीक है यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन क्या दिया है तो यहाँ पे क्या है आपका मान लिया पी टू है पी वन है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपको पी टू हो जाएगा पी टू हो जाएगा अच्छा ये क्योंकि एक ही दिखा मैं इनको टोटल क्या होगा ठीक है अच्छा अब देखो जो टॉप पर टोटल प्रेशर है जो आपको निकालने के लिए कहा गया वो क्या है पी वी प्लस पी सी प्लस ठीक है तो पी वी कितना है पी वन है पी सी कितना है पी वन प्लस पी टू है पी कितना है पी के वन है ठीक है अच्छा यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखेंगे पी टी होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं के पी वन दैट इज x बराबर कितना हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ बी कितना है पी वन प्रेशर ऑफ सी कितना है पी वन प्लस क्लियर है ठीक है y बराबर कितना हो जाएगा पी टू टाइम्स पी वन प्लस तो यहाँ से जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो p1 वन प्लस पी टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ठीक है और आपको निकालना क्या है पी टू बराबर क्या है आपका टू टाइम्स पी वन प्लस हो जाएगा समझ आ गया ठीक है इस तरीके से आप कर लेंगे हम जी आई एडवांस वाले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर खत्म हो गया फॉर्मेशन कांस्टेंट बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है ठीक है फॉर्मेशन कांस्टेंट जो वर्ड है सेकंड इक्वेशन में दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीएनएसजी होल्डर ठीक है दिस उत्तर बेसिकली व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीएनएसजी होल्डर एक्स प्लस और कौन सा क्वेश्चन बता रहे फिर तो वो नहीं चाहिए अभी किया ना पीछे का क्वेश्चन है देखो एन फोर एसएच वाला अभी अभी जो किया 11th नंबर क्वेश्चन तो इक्वेशन सेम होगी एन एच फोर एच एस गिव्स यू अमोनिया प्लस एच टू एस का ट्राई करने का फिर से ठीक है और कौन सा ये तो हो जाना चाहिए केपी दिया आपसे केसी पूछता है तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी हो जाएगा ना सीधे टू द पावर डेल्टा एम 7 में क्या होता है अच्छा 7 लिखा 7 तो बहुत बड़ा है ठीक है ट्राई करना जो भी नहीं है हम कहां पे पढ़ा था हमने पिछली क्लास में बार बार आगे जो कर हां तो स्क्रीनिंग रूल करने के लिए दिया था हमने किया व्हाट अप क्लास किसी का भी होता करना है माइनस आ रहा है क्या सही हो गया और किसी का नहीं हुआ था सर हो गया पूरा दिखाना बस इसके बाद
तब यहाँ बच्चा क्या है सी बी पर यहाँ है तो ये अंदर लेकर तो इसको पी 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 सब का भी कैसे है ये बाहर कौन सा है सब केक को पी पी केक को नहीं रहे उस केक को अंदर ले जाना फिर रास्ते में ज़्यादा जब केक की जगह पीली को ले जाओगे केक को अंदर ले जाओगे तो ज़्यादा ही उसी का तो के और पी का पावर गामा मिला के तब पी लिख सकते थे हम के की जगह पावर माइनस गामा मिला के देखो तो हम बात करते हैं प्रूफ की तो हमने बताया था कि आपको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आपका जो फॉर्मूला होगा वो पी एक्सटर्नल इनटू डीवी ठीक है अब क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं हम पी इंटरनल डीवी लिख सकते हैं आप ठीक है अब देखो अब आपको पता है कि जो एडियाबेटिक का दूसरा कंडीशन होता है वो क्या होता है पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये कहानी आ गई ठीक है घर तो यहाँ पे ना अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट वी कैन नॉट पुट हियर एन आर टी बाई बी बट हमने क्यों नहीं रखा एन आर टी बाई बी एन में बोलना है आंसर तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो यहाँ पे भी वैलिड है क्योंकि वो सभी आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है देन व्हाई आर यू चूजिंग दिस फॉर्मूला रादर देन पुटिंग पी की जगह पे एन आर टी बाई बी हम PV is equal to NRT यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं तो बताइए ना नहीं होता तो सबके लिए है ये आइडियल गैस तो आइडियल गैस के लिए तो PV अंतर ये PV काम है जो है के लिए सर ये तो सब जगह प्रूव है आप पढ़ने लाइट के कॉस्ट में तो बाहर आ जाएगा आसान है तो ठीक है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो हर जगह वैलिड है तो हमने ये क्यों नहीं रखा इट्स अ वेरी सिंपल आंसर एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है बताओ यार तो ये भी था कि क्या है तो पीवी के पास ठीक है वो रैंडमली नहीं बोलते सिंपल सा आंसर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर रखोगे यहाँ पे एन आर टी बाई बी मान लो रख दिया हमारा मन है हमने रख दिया हमारा कॉपी हमारा पेन है हमारी इनकम कुछ भी कर सकते हैं ना लेकिन यहाँ पे आप दो वेरिएबल नहीं हो गए वहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता था तो एन आर टी को हम बाहर ले सकते थे यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो यहाँ पे टी भी वेरिएबल हो गया और वेरिएबल हो गया तो दो वेरिएबल्स को और इनका कोई रिलेशन आपको बाद में फिगर आउट करना पड़ेगा तो जब इवेंचुअली करोगे तो आंसर यही आएगा क्योंकि हमने पहले स्टेप में किया समझ रहे हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए एक्चुअली टी और वी यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं रखते क्योंकि दोनों वेरिएबल को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे इनके लिए ठीक है तो ये कहानी होती है बेसिकली इसलिए हम पीवी इज इक्वल टू एनर्जी नहीं रखते क्यों नहीं रखते क्योंकि इस समय टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है इज दैट क्लियर अब यहाँ पे पी की जगह पे रख दो भाई तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया वी टू के टाइम्स वी टू द पावर माइनस गामा टाइम्स टी वी ठीक है के को बाहर ले लेते हैं वी टू द पावर माइनस गामा टाइम डी वी यहाँ पे V1 से V2 लिख सकते हो या V initial to V final आपकी मर्जी है ठीक है मतलब इसमें कोई इशू नहीं सॉल्व करो इसको तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस के V to the power माइनस गामा टाइम्स माइनस गामा प्लस वन और लिमिट क्या होगी V1 से क्लियर है सर ऊपर V2 to the power माइनस गामा प्लस वन कहाँ
सर पावर मैं समझा नहीं क्या टू द पावर माइनस गामा प्लस वाई माइनस गामा टी पावर माइनस टी के पास अच्छा सॉरी एक्स टू पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन होता है ठीक है सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था गूगल डॉट का ठीक है ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस के टाइम्स वन माइनस गामा को बाहर ले लिया हमने क्योंकि हमारा मन है यहाँ पे कितना हो जाएगा वी टू बराबर वन माइनस गामा माइनस वी वन वन माइनस गामा ठीक है कोई दिक्कत है इसको हम चेंज कर देते हैं वन के को के गामा माइनस वन लिख देते हैं माइनस कंज्यूम कर लिया हमने पलट के और वैसे भी गामा ग्रेटर देन वन होता है वी टू टू द पावर वी टू इंटू वी टू टू द पावर माइनस गामा माइनस वी वन इंटू वी वन टू द पावर माइनस गामा ऐसे लिख सकते हैं yes. ठीक है अब देखो यहाँ पे के को अंदर लेते जाओ ठीक है के को हम क्या कर रहे हैं अंदर लेते जा रहे हैं तो वन अपॉन गामा माइनस वन टाइम्स के को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पे वी टू के वी टू टू द पावर माइनस गामा माइनस वी वन के वी वन टू द पावर माइनस गामा ठीक है ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन अपॉन गामा माइनस वन ये कितना हो जाएगा ये है पी टू और ये कितना है तो फॉर्मूला क्या बन गया बहुत जल्द वन अपॉन गामा माइनस वन पी टू वी टू माइनस ठीक है तो ये पहला फॉर्मूला है आगे बढ़े ठीक है यहाँ पे ये हो गया अब आपको पता है पी वी बराबर क्या होता है एनआरटी होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन अपॉन गामा माइनस वन यहाँ पे कितना हो जाएगा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन एन आर को बाहर ले लो
यहाँ पे कितना आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस, ये होता है आपका फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पे गामा की वैल्यू आपको पिछली क्लास में बताया कि ऑलवेज क्या और फिक्स रेट होता है। बात करें आगे सही बता जब, लेकिन आप पहले सुन ले रहे, अगर एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर क्या होता है हमेशा कूल होता है, बढ़ता है आइसोबारिक में था पिछली क्लास में बताया था, एक्सपेंशन होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। एडियाबेटिक में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका डेल्टा टी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर डेल्टा टी लेस देन जीरो होगा तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, क्योंकि होना भी चाहिए था, ठीक है। अगर हम एक्सपेंशन का मतलब क्या होता था, कूलिंग होता था, अगर याद ना हो तो पिछले क्लास का नहीं आना है। अगर कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं तो so, क्या बढ़ेगा, क्या आग लग जाएगी, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ऐसे भी आप सकते हो किसी को ज्यादा दबाव के कोई नीचा होता है ना, इवेंचुअली एक्सप्लोड कर जाता है तो दबाना नीचे किसी को, तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, क्या होता है दबाने का मतलब, एक्सप्लोइटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे एकदम शॉक हो गया कि ये क्या बोल दिया है, सच्चाई से एकदम हमारा कंफ्रंटेशन हो गया। अकेले कैसे करो, मतलब अकेले दबा कर कैसे यहाँ से जो टॉपिक थोड़ा शुरू होने आ रहा है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। मतलब आगे दो या तीन पेज के टॉपिक है जो थोड़े से टफ है, ठीक है। तीन पेज है लेकिन इसको करने के दो तरीके हैं, एक प्रॉपरली सोचने वाला तरीका और दूसरा वो जो गलत तरीका है वो जो शॉर्टकट है, और एक प्रॉपरली मैथमेटिकल करने के तरीके, वो मैं एक साथ बता दूंगा। तो आपके ऊपर ये है कि इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, ठीक है, कम आए हैं लेकिन होने के चांसेस होते हैं, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो देखो पहले कंपेरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल, कंपेरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल। कंपेरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इधर डाल दो आइसोथर्मल, इधर डाल दो एडियाबेटिक, ठीक है। यस सर, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, होता है। yes, yes, अगर यहाँ पे हम डीपी बाई डीवी निकालते हैं, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, के बाई वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर डीपी बाई डीवी मैं निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के बाई वी स्क्वायर, और माइनस के बाई वी स्क्वायर में अगर हम के बाई वी की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई वी हो जाएगा। देखो k by v बराबर क्या होता है, p होता है, k by v बराबर p होता है, तो यहाँ पे p by v हो जाएगा, ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ पे क्या है, pv to the power gamma is equal to constant है, सेम कहानी करो, यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, k by v to the power gamma, तो यहाँ पे dv by dv जब आप करोगे तो क्या आएगा, minus gamma times k upon माइनस गामा, नीचे आएगा वन प्लस गामा, ठीक है, ओके। तो यही होगा ना,
एक मिनट, तो यहाँ पे माइनस गामा, माइनस देख लेना सही लगा नहीं लगा, बाकी तो सही है। k अपॉन v टू द पावर गामा इंटू v, और k अपॉन v टू द पावर गामा बराबर कितना हो जाएगा p, माइनस देख लो बस सही है गलत है, अगर माइनस सही है तो बाकी सही है क्या, हाँ dp by dt, सॉरी dp by dt, ठीक है। अब मेरा तो क्वेश्चन आपसे लिखना बात है, पहले ये बताओ कि अगर हम दोनों का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दोनों के ग्राफ का नेचर सेम होता है, आई मैंने अभी एडियाबेटिक ग्राफ पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कोई मतलब नहीं था ऐसा करने का, वो भी ग्राफ कैसा लिखता है, पी वर्सेस वी का ग्राफ का जो नेचर होता है वो यही होता है, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो ना पी वी बराबर कॉन्स्टेंट है, जब पी वी बराबर गामा कॉन्स्टेंट है, नेचर तो सेम ही होगा ना, तो यहाँ पे मतलब वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का नेचर होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में से किसका ग्राफ ऊपर होगा, किसका ग्राफ नीचे होगा, आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होगा या एडियाबेटिक का ग्राफ नीचे होगा, पूछते हैं पूछते कितने लोग कह रहे हैं एडियाबेटिक ऊपर होगा, एडियाबेटिक ऊपर वाले एडियाबेटिक का ऊपर होगा, कितने लोग कह रहे हैं एडियाबेटिक नीचे होगा, और थर्ड ही मत उठाओ ठीक है, इतनी जल्दी सोच ही नहीं सकते हो, थोड़ा सोचने का टाइम लगेगा, हां हां से चेंज कर, बढ़िया बढ़िया अच्छा ठीक है, सही आंसर है, हां क्यों, क्योंकि उधर माइनस वो है ना एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो नेगेटिव वन में पार्ट वो हो जाएगा उसका, वो वर्से बड़ा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे नीचे क्यों हो गया, माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस तो दोनों है, ये माइनस में ज्यादा बड़ा होगा बस ये yes, कह रहा हूँ yes, माइनस में ज्यादा बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, तो ग्राफ नीचे होगा ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा बताओ तो मुझे, ऐसे माइनस है तो नीचे हो गया, ये क्या कहानी है, अंदर से फीलिंग आ रही है, ये बात नहीं कर रहे हैं, फीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बताइए क्यों होगा, ऐसे प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताओ कि ऐसा क्यों होगा, या आपका कहने का मतलब क्या है, और पॉजिटिव वाले की वो डालते बताइए, आपको भी अगर अच्छा लगा था क्यों, एनीवन इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आप मैथ आपको पढ़ी हुई है जी, दैट्स अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग मैथ को यूज कर रहे हैं, अंदर से ट्यूशन आया और फिर बता दिया आपने, किसी को समझ में आया रीजन क्या होगा, किसी को नहीं आ रहा है, देखो पहली बात तो ये जो डी पी बाई डी वी है वो क्या है, पी वी कर्व का टेंजेंट है, जो पी वी कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डी पी बाई डी वी से रिप्रेजेंटेड होगा, एक आप अपने मन से ड्रॉ कर लो पहले कोई भी दो ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ का टेंजेंट ये होगा जिसका स्लोप ये होगा, और एक ग्राफ का टेंजेंट ऐसा कुछ होगा जिसका स्लोप ये होगा, तो किसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा, नीचे वाले का या ऊपर वाले का, आपको ये फिगर आउट करना है, तो जो नीचे वाला होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, तो इस वजह से जो आपका जो स्लोप, आप स्लोप देखो, आप वैल्यू देखो, जब आप ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे दो आइडेंटिकल का, जब आप एक एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो जो नीचे वाला कर्व होगा उसका जो टेंजेंट होगा वो ज्यादा नेगेटिव स्लोप वाला होगा, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जब देख रहे हैं क्या बोलते हैं, जब आप एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को देख रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला होगा ज्यादा नेगेटिव, एडियाबेटिक वाला, तो इसलिए एडियाबेटिक क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, इसका क्लियर लिख लो, अब इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता, मैं आता इसमें क्या बताऊंगा आपको, ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए, देखो राइट हैंड साइड पे लिख लेना एडियाबेटिक में, और इसके आगे वाला जो हम पढ़ जा रहे हैं नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, ठीक है, बट वो सीधे फैक्ट से पूछेंगे, यूजर नहीं पूछेंगे, नीचे लिखना है एडियाबेटिक में स्लोप ऑफ द पीवी कर्व, स्लोप ऑफ द पीवी कर्व इज मोर नेगेटिव, स्लोप ऑफ द पीवी कर्व इज मोर नेगेटिव, इतना तो क्लियर है ना कि dp by dv टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, तो ज्यादा नेगेटिव है तो उसको देख सकते हैं आप, स्लोप ऑफ द पीवी कर्व इज मोर नेगेटिव,
So it to the graph. The graph. The line below. The line below. Isothermal. सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो अब मैं सिलेबस देखा अपना केमिस्ट्री का देखा नहीं होगा ठीक है ये मुझे कुछ देखना पड़ता कुछ है या नहीं उसमें कार्नोट साइकिल करके है या नहीं दूसरे जो हटा दिया है जे के भी सिलेबस में लिखा नहीं उन्होंने लेकिन क्वेश्चन पूछ देते हैं जब एडवांस में उससे सिलेबस से हटा दिया उन्होंने पता नहीं कभी कभी धोखा दे देते हैं आपको आइडिया होगा धोखा क्या होता है धोखा बहुत सारे तरीके से होता है ना हर चीज में वही ले जाता है वही सोच जाता है और साइड पे कैसे बोलते हो एंटी तो उसने बोल दिया पहले ही बड़ा धोखा है इन अ सर्टेन सेंस कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप कर सकता है तो वह है पर्दा मतलब जनरेशन को पकड़ करना वो क्या क्वेश्चन देखने में क्या करा अच्छा एक टाइप के क्वेश्चन है जो काफी इम्पोर्टेंट है नॉट फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बट परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें ज्यादा पूछा जाता है और उसकी प्रैक्टिस सभी कराएंगे ठीक है मैं नहीं कराता उसकी मैं क्लियरली बता दूंगा फिर कैलोरी मीटर बेस्ड और जो बॉम कैलोरी मीटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और स्पेसिफिक हीट क्या हीट कैपेसिटी वाले ये फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा है तो फिजिक्स में इसको ज्यादा पर को प्रैक्टिस करेंगे करना है तो मैं बोल दूंगा मैं ठीक है फिर मुझे बता देना चलो कुछ पीछे देखो डॉट बी है या मैं सर ले हां हां डॉट बी है बी है लिखो टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस एन आइडियल गैस At 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, is allowed to expand reversibly. Is allowed to expand reversibly. Is allowed to expand reversibly at constant temperature. At constant temperature. ब्रैकेट में लिखा आइसोथर्मली मैं सभी वैल्यू का कांस्टेंट टेंपरेचर है तो आइसोथर्मली ही हुआ ठीक है फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू 10 लीटर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ
2 liter to 10 liter by reducing the pressure slowly. 2 liter to 10 liter by reducing the pressure slowly. By reducing the pressure slowly. Calculate the work done by the gas. Calculate the work done by the gas. W. Okay, W. 40 MPa and Q and comma delta H delta U. Delta U या delta U जो भी हो, delta U या delta U आपको अच्छा लगता हो. You need to do it. R की वैल्यू देनी है आपको. दिया है 8.31 खोल लेना है पर मोल पर केल्विन. 8.31 खोल लेना है क्योंकि वैल्यू आपको जूल में निकालनी है ना. R की वैल्यू 8.31 खोल लेनी है. जब V1 की जगह पर 2 लिख दिए क्या दिया है इनिशियल वॉल्यूम का दिया गया है कुछ नहीं वॉल्यूम का दिया गया आपको 2 लीटर और 10 लीटर दिए गए आपको ये देखना है कि मटेरियल होगा ना कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल ये आपको रिकॉग्नाइज करना होगा इनिशियल तो देख लीजिए आपने दो ही की कंप्रेशन सो क्या दिया गया एक्सपेंशन एक्सपेंशन दिया गया तो इनिशियल 2 होगा ठीक है. ये इनिशियल है ये फाइनल ये सब कौन दिया है ये कौन सा ये सब कौन दिया है और ये बात करना है आगे तो दे रहा है ये सब आगे सर लॉग 5.04 तब भी तो सेम डेट नहीं आता है अगर लॉग पे सर ये हो गया है लॉग पर 4.57 4.57 लॉग पर कैलकुलेट करके और नहीं करें नहीं कर रहे log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 ठीक है देखिए क्वेश्चन कैसे पर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस क्वेश्चन बातें करते हो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है 25 डिग्री इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेंपरेचर और वॉल्यूम इतना कहानी लिखना ये सब ठीक है तो n बराबर आपको दिया गया है 2 v इनिशियल आपको दिया गया है 2 v फाइनल बराबर आपको दिया गया है 10 w बराबर क्या होता है आपका रिवर्सिबल में n r t 11 फाइनल रख दो टेम्परेचर कितना दिया है
ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? यस सर। ये आपका हो गया W, अगर W ये हो गया तो Q बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ W, ठीक है? और डेल्टा H और डेल्टा U क्या होते थे आपके? जीरो होते थे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दोनों के वैल्यू क्या होती थी? जीरो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। At 27 degree Celsius, one mole of an ideal gas. 27 degree Celsius, one mole of an ideal gas is compressed. Isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly from a pressure of 20 atm 200 atm calculate delta U and Q जो आर की वैल्यू है वो है 2 कैलोरी पर किलो कैलोरी पर मोल। यू एंड क्यू आर की वैल्यू कितनी? 2 कैलोरी पर कैलोरी पर मोल। दूसरा क्वेश्चन देखो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस one mole of an ideal gas is heated at constant pressure from 0 degree Celsius 200 degree Celsius अच्छा क्या फिर इसमें एक और क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस देते हैं मैं पहले बता रहा हूँ वो हम नहीं कर रहे हैं ठीक है क्या ऊपर नोट करके लिख लो ताकि आपको लगे केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा तो वो हमारे सिलेबस में नहीं आते कभी भी तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को आपको फिर एक्सप्लेन करा जाएंगे ठीक है दो तरीके के क्वेश्चन हम नहीं कराते एक ग्राफ वाले और एक कैलोरीमेट्री वाले ठीक है ग्राफ और कैलोरीमेट्री आपको फिर एक्सप्लेन करा जाएंगे चलिए करिए क्वेश्चन First question of the
27 degree Celsius, one mole of an adiabatic is compressed isothermally reservoir from pressure 20 atm to 100 atm. ठीक है, तो आपको प्रेशर, आपको इनिशियल प्रेशर दिया गया 20, फाइनल प्रेशर क्या दिया गया 100, और आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है, माइनस एनआरटी टेलन पीआई फाइनल अपॉन बी इनिशियल होता है, या इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस एनआरटी एलएन इनिशियल अपॉन वैल्यू रख दो बस. यस सर. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डब्ल्यू. ठीक है, और आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है तो वहां से डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो. तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कितने लोगों को हो गया था ये रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल 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 था मेरा लगता है. नेक्स्ट आते हैं आइसोबारिक की बात करते हैं. आइसोबारिक क्या होता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट हो जहाँ पे, तो W बराबर क्या होता है आपका, P एक्सटर्नल ए टू माइनस बी वाई, या इसी को मैंने बताया था क्या लिखते हैं, P गैस बी टू माइनस सी वन, रख दो वैल्यूज, क्या थी वैल्यूज, ये नहीं रहा है उसमें. ठीक है, वन मोल ऑफ एंडल गैस लीजिए, इसे कैलकुलेट द वर्क डन, तो बताइए क्या करेंगे आप, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, वॉल्यूम जब बढ़ता है तो टेंपरेचर भी बढ़ता है, तो माइनस पी ऊपर हाई स्क्वायर है. हां, यहां पे माइनस पी गैस है, पी2 को क्या लिखते हैं, एन आर पी2 बाई पी या पी गैस, माइनस एन आर पी1 बाई पी गैस, गैस गैस क्या हो जाएंगे, कट ओवर रहेंगे, तो बचा क्या फॉर्मूला, माइनस एन आर टू माइनस वैल्यू रख सकते हो यहाँ. ठीक है, मैंने कहा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मत बोलना कभी भी, ठीक है, बहुत जगह ही बोलता है जहाँ भी कुछ था रहा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मत बोलना. माइनस एट सी 1.4
ठीक है, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पा लेंगे ऐसे लोगों के टाइप करने से टाइम मिले तो करेगा कि मतलब बोलते हैं ना कि यूल बर्न इन हेल करके किसी राइटर ने पूरा पता है किसी वेबसाइट पे था कोई साइंटिफिक वेबसाइट थी इस केमिस्ट्री स्टैटिक शीट पे था किसी के था तो एक बंदे ने प्रॉपर कैलकुलेट किया था कि अज्यूमिंग द अजम्पशंस हेल इज अ वेरी कोल्ड प्लेस सो इट विल नॉट बर्न इन हेल किसने कैलकुलेट करना है ये बताओ आपकी इच्छा कैलोरी में कैलकुलेट करना है कैलोरी में कैलकुलेट करना है किसमें कैलकुलेट करना है आपकी इच्छा ऑप्शनल क्वेश्चन है ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस At constant temperature and pressure is option A है PR by 2 option A है PR by 2 option B है 5R by 2 option C है depends on atomicity of gas depends on atomicity of the gas चौथा है इंफिनिटी या कैन नॉट बी डिफाइंड जैसे भी लिखना इट हाउ आर यू वांट सर आंसर ठीक है हां आंसर ठीक है पांचवा है जीरो चलिए बनाइए ए कितने लोगों का है बी कितने लोगों का है सी कितने लोगों का है आपका जो सीपीएससी होता है क्या होता है सीपी बराबर क्या होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी है तो डेल्टा है क्या हो जाता है आपका जीरो तो सीपी क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड या इंफिनिटी एप्पल का बस अब डिफरेंट नहीं मतलब ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं अगला क्वेश्चन देखो ये स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर नहीं अच्छा एक
चीज नोट करके लिख लो, मैंने बताया नहीं है, बता देता हूँ फिर से एक बार। जो सी वी होता है उसका फॉर्मूला क्या था एफ के टर्म में? एफ आर वाई, एफ आर वाई एफ बन गया ठीक है। और सी टी कितना था? एफ प्लस एफ प्लस टू बाई वन प्लस ऐसा था ना, सी टी माइनस सी वी बराबर आर होता है। अच्छा ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह रहे हैं फिजिक्स में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं बताता नहीं, बट ठीक है इतना बता दिया तो फिर से बता देता हूँ। जब मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे एफ होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? केवल और केवल ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, हम जो वाइब्रेशन होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। ओके, तो अगर हम ये नोट करके लिख लेना ठीक है, कभी यूज नहीं होगा केमिस्ट्री में। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक लेकिन फिर इसमें आएगा तो पढ़ो, मोनो एटॉमिक की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती थी? तीन। केवल और केवल ट्रांसलेशनल होते थे तो वहां पे जो सी वी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? थ्री आर बाई टू। और सी पी की वैल्यू कितनी होगी? फाइव आर बाई। अगर हम डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो वहां पे कितना होगा सी वी? सिक्स। डाई एटॉमिक मतलब फाइव होते थे ना, यस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फाइव आर बाई टू। और सी पी कितना हो जाएगा? सेवन आर बाई टू। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है सी पी बाई सी वी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ गामा, वो आ जाती है एक बार। तो अगर मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू मैं निकालू तो कितनी होगी वो? सी पी बाई सी वी होगी ठीक, फाइव बाई टू। इसके लिए निकालो गामा की वैल्यू तो कितनी होगी? और जो मल्टी एटॉमिक होते हैं उनमें भी आपको दिया जाएगा कौन सी गैस है, अगर लीनियर गैस है तो अलग आंसर आएगा, नॉन लीनियर है तो अलग आएगा। हमें लीनियर है तो यही आंसर आ जाएगा, नॉन लीनियर है तो वहाँ पे क्या जाएगा? सी आर है जो भी आएगा आगे देखिए ठीक है। नहीं बेटा पढ़ाया था पॉलीएटॉमिक में, तो नॉन लीनियर तो उसमें सिक्स होता है, लीनियर में थ्री होता है, फाइव होता है। लीनियर में क्या होता है उसके एक्सेस के अमाउंट नहीं देते ना ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक के जो लीनियर होते हैं उसमें सेम एज डायएटॉमिक होगा, जो पॉलीएटॉमिक के नॉन लीनियर होंगे लिख लो करके लाना, पॉलीएटॉमिक लीनियर एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ये दोनों करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, व्हेन अ पॉलीएटॉमिक गैस, व्हेन अ पॉलीएटॉमिक गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीएटॉमिक गैस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नॉन लीनियर है ठीक है, इस केस में नॉन लीनियर है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाई ईवी टू द पावर x is equal to constant, TV to the power x is equal to constant. The value of x is, पहला ऑप्शन है 1.33, दूसरा ऑप्शन है 0.33, तीसरा ऑप्शन है 2.33, चौथा ऑप्शन है 1। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हीलियम गैस ओबेज द लॉ, हीलियम गैस ओबेज द लॉ T by T to the power 2 by 5 is equal to constant. T by सबने लिखा है. The heat given n mole of helium, the heat given to the n mole of helium in order to raise the temperature from T to 2T is 2RT. Four RT, 8RT, सोलह RT, जीरो. अगला ऑप्शन है जीरो. पांच ऑप्शन है ठीक है, इनमें से एक चुनना है. अगला क्वेश्चन लिखो तो ब्रेक ले लेते हैं फिर करना ठीक है. The following curve represents किसका है ये? बजा किसका? नहीं ये सी ऑफ वॉच का. वॉच किसी ने अलार्म लगाया है? चार बजे लगाया. अलार्म नहीं हम लगाएंगे. और 7 बजे भी लगाया होगा. अच्छा कैंडिडेट बोल रहा है ठीक है. चार बजे चार बजे ब्रेक लेना 7 बजे. The following curve represents adiabatic expansion of gases helium. अभी आपको थोड़ी बहुत हो सकता है दिक्कत तो एडियाबेटिक में, फिजिक्स में आपको एक जनरल प्रोसेस होता है वो बता दिया जाएगा तब आपको बहुत इजी लगेगा एडियाबेटिक प्रोसेस. बट मैं पहले आपको थोड़ा सा एटलीस्ट करा देता हूँ. हीलियम ऑक्सीजन ओजोन आर नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर which curve represents for O3? ओजोन है ये ऑप्शन है आपके पास ठीक है. ये कर्व है मतलब ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 कर्व बना लो. पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है? और अब दबा जय माता दी. मैट्रिक्स देखी आप लोगों ने? मूवी हाँ यस चौथी वाले का तो नाम मत अच्छे नहीं अच्छी समझ लिख मत लेना अगला क्वेश्चन निकला. लास्ट क्वेश्चन है सर साइंस
बेटा मन को तो क्या करा इसे लेके टेक्निकल कर दिया सर ये बड़ी कांस्टेंट की रेंज कितनी होती है जेनरल टर्म मान होता है इनको कितना भी पढ़ा सकता है अब ऑब्वियसली अगर कुछ लिमिट होगी जैसा भी हम निकाल लें ना गामा की वैल्यू निकालना भी बताया ना गामा क्या होता है सीवी बाय सीवी होता है एंड मैक्स क्या हो सकता है जो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी हो सकती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैंने आपको क्या बताया अभी हम इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन बोल रहे इसका आंसर थोड़ा याद हो जाएगा अगर आप केवल इन रियलिटी जब हम क्वेश्चन करते हैं हम करते हैं मतलब इस स्टैंडर्ड पे तो हम वाइब्रेशनल को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अगर आप वाइब्रेशनल को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एट मैक्स क्या हो सकता है 4/3 तक जाएगा या मतलब 7/5 तक भी आप रह जाएंगे फिक्स ही हो गया ना अगर आप नॉन लीनियर ले लोगे तो एट मैक्स फिक्स वैल्यूज होंगी ठीक है बट रियलिटी में क्या होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है सीपी एंड जीवी एंड गामा तो रियलिटी में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट अभी आपके लिए फिक्स वैल्यू है चार वैल्यूज है मोनोटॉमिक डायटॉमिक तीन ही वैल्यू एक्चुअली डायटॉमिक वाले की वैल्यू सेम होगी पॉलीएटॉमिक लीनियर एंड देन पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर अगला ऑप्शन लिखिए क्वेश्चन नाइन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन अ गैस ऑलवेज VTQ is equal to constant. Yes. So this VT cube is equal to constant. Adiabatic expansion gas moving. Gas always पालन करता है उसका VT cube. VT cube is equal to constant. The gas must be monoatomic. पहला ऑप्शन है मोनोएटॉमिक सेकंड ऑप्शन है डायएटॉमिक तीसरा है ट्राइएटॉमिक चौथा ऑप्शन है प्रभु की महिमा चौथा मतलब कुछ भी हो सकता है एनी वन ऑफ दीज नहीं ऑल ऑफ दीज नन नन लड़ता नन ऑफ दीज देर से आया था तो ऐसा करते हो सीधे 45 पे आना शुरू करते
आ गया किसी का नहीं आया था एक सेकेंड हर तुम मूव करो चार महीने सीन तो हो जाने चाहिए
पहला सवाल है फ्रेंड्स, पॉलीएटॉमिक गैस अंडरगोस एडियाबेटिक प्रोसेस, टेंपरेचर वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन टी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन विल बी। तो आपको पता है कि आपको जो एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है उस पर टी वी टू द पावर क्या होता है, गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आपको दिया गया टी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एक्स बराबर क्या है, और जो आपका पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो सीवी बराबर क्या होता है, एफ बाई टू आर, तो एफ की जगह पे कितना होता है 6/2R, तो ये कितना हो गया पी आर, ठीक है, और जो सीपी है उसकी वैल्यू कितनी होती है एफ प्लस 2/2R, तो ये कितना हो जाता है आपका 3/5, अच्छा एफ की वैल्यू 6R, तो 6/2/2R, तो ये कितना हो जाएगा 4R, तो गामा की वैल्यू कितनी होती है सीपी बाई सीवी, तो वो कितना होता है 4/3, तो यहाँ पे रख दो 4/3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.33। वैसे ही अगर कर लिया आपने, सेकंड क्वेश्चन का आता है, इफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हीलियम गैस हो गई सो एंड सो एंड द सो एंड सो, ठीक है, इसके दो तीन तरीके हैं करने के इस क्वेश्चन को,
टी टू, ये क्या क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, टी पी टू द पावर माइनस टू बाई फाइव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे पता है कि मुझे फॉर्मूला नहीं आ रहा है पी और टी वाला, पी और टी वाला, तो मैं इसमें मेहनत करूँगा। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो मैं पी और डी के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मैं टी की जगह पे कहानी लिख देता हूँ, ठीक है। टी की जगह पे क्या लिखता है, पी वी अपॉन एन आर, और यहाँ पे पी कितना है, माइनस दो बटे पाँच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी कहानी, वी एंड पी बराबर कितना आ जाएगा, थ्री बाई फाइव ना, इज इक्वल टू पूरे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एन आर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, एन आर को राइट हैंड साइड पे लेके गए तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, पी टू द पावर थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू के अपॉन वी। तो यहाँ से पी बराबर कितना हो जाएगा, के अपॉन वी टू द पावर फाइव बाई थ्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एज ए रिजल्ट, पी वी टू द पावर फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। और आपको ये पता है क्या होता है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ गई, और फाइव बाई थ्री किसके लिए होती है, गामा के लिए फाइव बाई थ्री क्या पूछा है आपसे, तीन पूछा था आपसे, तो निकल आप तो कुछ करने नहीं, तो क्या करना है, गामा इज क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो गामा ग्रेटर देन वन किसकी कहानी होती है, एडियाबेटिक हीट। और एडियाबेटिक हीट क्या होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे गामा की वैल्यू वन आती है तो क्या होता आपका, वो प्रोसेस क्या कहलाता, अगर गामा की वैल्यू वन आती तो प्रोसेस क्या कहलाता, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखनी है। और भी तरीके हैं इसको करने की, क्या आप डायरेक्ट टीपी वाला फॉर्मूला लेके कर लो, बट ये ज्यादा इजी लगता है मेरे को, इजी है। तीसरा वाला हुआ है, एनीवन आप बताओ क्या बड़ा और किसका हुआ, चौथा, चौथा तो हो जाना चाहिए, अभी करा दिया इतना सारा, चौथा करो सब लोग, एग्जैक्ट सेम चीज है। सर सी पी बाई सी बी टू इसका चौथे वाले, हाँ गामा बराबर दो आ रहा है, हाँ नहीं गामा दो कहाँ से आ जाएगा सर, एक मिनट फोर बाई थ्री आ रहा है, सही है। कौन सा एटॉमिक है फोर बाई थ्री, पॉली एटॉमिक, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, पॉली एटॉमिक, ठीक है।
कैसे किसका आ गया है हर लास्ट वाला राइट में पहले टर्म में अच्छा कदा है अच्छा तुम थर्ड वाला कर दो वही कहता ना तुम्हारा ओजोन वाला देखो ओजोन वाला कैसे होगा देखो बहुत सिंपल वो चीज लिख देना जो मैंने लिखी थी ठीक है गामा कितना होगा 5/3 ये तो करा चुके हैं अभी हीलियम को 5/3 5/3 होगा हीलियम को हाँ एक मिनट हीलियम का 3 होता है ना तब हाँ ठीक है इससे इसका 7/5 होगा ठीक है मोनोन का 4/3 बनेगा ये अभी पढ़े थे हमने ठीक है तीनों के कि मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के कितने होंगे ठीक है देख सकते हैं आप सभी को एक चीज समझ में आ रही है जो लिखा है सामने कि तीनों के गामा का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा गामा हीलियम सबसे ज्यादा होगा फिर O2 होगा फिर O3 होगा अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लॉग ले लो दोनों तरफ लॉग ले सही है ठीक है लॉग पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको बाद में लिखना के को क्योंकि सी हो गया ना इसको हटा दो नहीं लॉग देखो गामा टाइम्स माइनस गामा टाइम्स लॉग बी इस पे लॉग इसको आगे ले जाके गामा पावर को बदल लेते हो नहीं बेटा इसको गामा को आगे ले जाना ना लॉग का अब बड़ा ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा आगे आ जाएगा गामा लॉग भी आ जाएगा और माइनस साइन हो जाएगा आगे क्योंकि सब इतना हो गया बस एक चीज अब देखो बस यहाँ पे देखो अब जो आपका ग्राफ था उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग बी वर्सेस लॉग बी था आपका ग्राफ जो आपको क्वेश्चन में दिया उसका स्लोप क्या है माइनस गामा है आपको ठीक है माइनस गामा है तो आपको देखना होगा जिसका स्लोप क्या होगा सबसे कम होगा या जिसके गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही आपका क्या हो जाएगा आपका नीचे सबसे बॉटम वाला होगा इन तीनों में आप देख सकते हैं ना स्लोप की वैल्यू क्या होगी इसके स्लोप क्या होगा कंपेयर टू इसके स्लोप से तो आप देख सकते हैं स्लोप आप कंपेयर करना है बस ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं फोर्थ वाले की बात कर मूव करना होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला किस तरह का हो गया अभी तो बता रहा आप लोगों को कहानी क्या है आपके फोर्थ क्वेश्चन में बी टी क्यूब है या बी क्यूब टी है क्या बी टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टीवी टू द पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं और आपको पता है कि फॉर्मूला क्या था टीवी टू द पावर क्या था गामा माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट गड़बड़ कहाँ हो रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है
सॉरी ये 1/3 होगा ना, 1/3 होगा ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गामा -1 इज इक्वल टू -1/3, गामा बराबर कितना हो जाएगा 4/3, और गामा बराबर 4/3 किस में होता है, पहले फॉर्म में ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, मैं अकेले दो चार क्वेश्चन लिखो। देखो व्हेन वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, व्हेन वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट टी केल्विन, एट टी केल्विन अंडरगोस एडियाबेटिक चेंज, अंडरगोस एडियाबेटिक चेंज under constant external pressure, under a constant external pressure of 1 atm, external pressure of 1 atm changes volume from 1 liter to 2 liter, changes volume from 1 liter to 2 liter, the final temperature would be, the final temperature would be
at any instant is constant. At any instant is constant and is equal to 1. What is the molar heat capacity of gas? What is the molar heat capacity of gas? Option A है 4R/2, 4R/2. ऑप्शन बी है 3R/2, ऑप्शन सी है 5R/2, ऑप्शन डी है 0. अगला लिखो 2 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस, 2 मोल ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेसेस. नहीं 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 कर पाओगे, रहने दो, साइकिल पढ़ाई होगी. नहीं औकात से बात नहीं है, समय से आगे इसके जवाब के प्रश्न कितने आते हैं सर, तो आते नहीं है. चलो एक क्वेश्चन ऐसे सुनो और आंसर करो, ठीक है? कर लोगे. Which of the following statement is our false? ठीक है? What is the state function? False. ठीक है. What is the path function? Second है temperature is a state function. सही है गलत है? सही है. ठीक है. फिर temperature क्या होता है? State पे depend करता है. जहाँ पे जिस point होता है उस पे depend. Change in the state is completely defined when the initial and final states are specified. Change is only defined completely when the final state and the initial states are defined. Seems like true, ठीक है? Works appear at the boundary of the system. Work appears at the boundary of the system. कितने लोग कह रहे हैं कि ट्रू है? वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. बस ये सुनो, वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. तो इतने लोग सही कह रहे हैं, क्यों सही कह रहे हैं? मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन सोच रहा था, बट अच्छा बताया, ठीक है? एक्चुअली बहुत अच्छा बताया, अच्छा नहीं तो सही बात है बिल्कुल. जब आप सिस्टम वर्क करता है तो भी बाउंड्री में ही वर्क होता है, जब सराउंडिंग वर्क करता है तब भी क्या करता है? सिस्टम में ही अपीयर करता है. दूसरा तरीका जो मैं बताने की सोच रहा था कि जब तक आप बाउंड्री को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करोगे, मान लो आपने कोई एक लाइन खींची, ठीक है, अगर आप कर्व बनाते हैं वहां पे, मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, बट ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने बाउंड्री नहीं डिफाइन की, बस यहाँ पे अगर आपने बाउंड्री डिफाइन नहीं की तो आप वर्क को, जो वर्क क्या होता है, वो एरिया अंडर द कर्व होता है. तो अगर आप बाउंड्री नहीं डिफाइन करेंगे प्रॉपरली तो आप वॉल्यूम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और वॉल्यूम नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो आप कर्व कैसे डिफाइन करेंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप सोच के बता सकते हैं. कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? एंथैल्पी, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, ठीक है? अरे देखो, याद है तुम्हें हेस लॉ?
कि अगर आप से फॉर एग्जाम्पल किसी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाती थी, दो से मल्टीप्लाई हो जाती थी, याद है? Yes. तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता तो कोई फर्क पड़ता डेल्टा एच के ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करते? तो इस तरीके से याद रख सकते, जो भी क्वान्टिटीज, जो भी एनर्जी की क्वान्टिटीज अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो इसके ऊपर फर्क पड़ता है। इसी तरीके से जबरदस्ती क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इंटेंसिव होता है या एक्सटेंसिव होता है? दो से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो एनर्जी वाली जितनी भी चीजें हैं जिसमें ये चीज लगेगी वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी एक्सटेंसिव हो जाती है। जैसे एक चीज और होती है आपका रेडॉक्स पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो क्या होता है, वो ये चीज फॉलो नहीं करता है। अगर आप इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी दोगुनी हो जाएगी, समझ लो। कॉमन सेंस सोचो, एक लिथियम है, लिथियम का -3.71 होता है, लिथियम का खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैं क्या दो लिथियम ले लूंगा तो क्या और बढ़ जाएगी रेडॉक्स होने की टेंडेंसी? नहीं ना, नहीं पड़ेगी ना। तो जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आपका, इसके इंटेंसिव, तो इंटेंसिव हो रहा है क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो आप एक CO2 को बर्न कर रहे हो तो आपको 40 किलो जूल मिल रही है हाइपोथेटिकली, तो दो CO2 को बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगी, 80 मिलेगी ना। तो वहां पर क्या हो गया, मास पे डिपेंडेंसी हो गई ना, तो क्या हो गया, एक्सेसिव हो गया। तो इस तरीके से दिमाग में बैठा लो क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इंटेंसिव होता है, पढ़ लेना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो समझाया था अच्छे से, इंटेंसिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके सर।